हेलो जी, हेलो, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सब लोग भाई बढ़िया ही होंगे और हमें बढ़िया ही रहना है। तो अभी बज रहा है सुबह के 10 और मैं निकल चुका भाई घर से बाहर। कहाँ पर जा रहा हूँ? पहले तो भाई ट्यूशन है, तो ट्यूशन खत्म करूंगा और फिर मिलता हूँ भाई आपको आगे। तो भाई सुबह सुबह ऐसे प्रभु जी के गीत सुन के जो शांति मिलती है और दिन की शुरुआत भाई ऐसे हो तो फिर हमें क्या ही टेंशन हो जाएगा। सुबह सुबह ऐसे गीत ही सुनने चाहिए ताकि आपका मूड भी फ्रेश रहे, आपका माइंड भी फ्रेश रहे और आप भी फ्रेश रहो, समझ रहे हो। मिलता हूँ भाई अभी ट्यूशन खत्म करके आपको आगे। शाम के 5 और भाई मैं हो रहा था बोर, तो मैंने लगाया रोमिल को कॉल कि चलो भाई निकलते हैं कहाँ पर घूमने के लिए। सो अभी मैं जा रहा हूँ भाई तलाजा के हाईवे पर। तलाजा नहीं जा रहा हूँ, तलाजा के हाईवे जो है वहाँ पर जा रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे वहाँ पर आनंद ही मिलता है। वो रोड पर जाता हूँ तो थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है। सो अभी सीधा निकलता हूँ मैं, पहले रोमिल को लेता हूँ और फिर निकलता हूँ भाई तलाजा की। और तलाजा नहीं, और हाँ भाई आप थोड़ा वीडियो को लाइक वाइक करो यार, कमेंट वमेंट करो ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलता हूँ भाई आपको आगे। जब से एल्विस भाई बिग बॉस में गया तब से मैंने भी बिग बॉस देखना स्टार्ट कर दिया है। पहले तो मैं बिग बॉस नहीं देखता था, पर जब से एल्विस भी अंदर गया तब से मैंने भी बिग बॉस देखना स्टार्ट कर दिया है। और उसमें आपका सपोर्ट किसके साथ? एल्विस भाई के साथ ही होना चाहिए। मेरा तो पूरा का पूरा भाई सपोर्ट एल्विस भाई के साथ ही है। आपका सपोर्ट किसके साथ है वो मुझे थोड़ा कॉमेंट करके बताना। और भाई सिस्टम हैंग कर देनी है और हमारे एल्विस भाई जीतने चाहिए। मेरा भी पूरा का पूरा भाई सपोर्ट एल्विस भाई को ही है और एल्विस भाई को ही रहेगा। तो भाई बिग बॉस तो भाई एल्विस यादव या फिर फुकरा इंसान, उन दोनों के अलावा तो कोई जीतना ही नहीं चाहिए क्योंकि भाई यूट्यूब से है तो हमारा पूरा सपोर्ट तो उनको ही रहेगा ना, समझ रहे हो मेरी बात। या तो फिर एल्विस भाई या तो फिर फुकरा इंसान, दोनों में से जो भी जीते पर पहला सपोर्ट तो मेरा एल्विस भाई को ही रहेगा। हेलो, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सब लोग भाई बढ़िया ही हो गए और हमें बढ़िया ही रहना है। तो आपका ये ब्लॉग में अभी दूसरे दिन भी ये कंटिन्यू ही कर रहा हूँ। कल फिर रात को वहाँ से रिटर्न होके मैं खाना खा के सो ही गया था तो मेरा व्लॉग शूट नहीं किया था, फिर मैं बाहर ही नहीं गया था। तो आज के दिन की भाई शुरुआत हो रही है घर के कामों से, मतलब अभी गुजराती में कहूँ तो लॉर्ड दलावत आज अत्यारे हूँ आयो छो। सो अभी काम आज के दिन की शुरुआत भाई घर के कामों से हो रही है। घर का काम भी हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि सब घर पर छोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे। ऐसे छोटे मोटे मैं काम भी भाई करते रहता हूँ। सो अभी मैं लॉट दलाने के लिए आया हूँ और फिर लॉट दलवाता हूँ और मिलता हूँ आपको आगे। सो अभी घंटी पर मैंने लॉट जो है वो, मतलब हिंदी में क्या कहते हैं वो मुझे प्रॉपर नहीं पता है, पर गुजराती में कहूँ तो घंटी ऊपर लॉट दलाई ने अब हूँ निकली गयो छू शाक लेवा। सो अभी मैं निकल चुका हूँ भाई सब्जी लेने, शाक यानी कि सब्जी, हाँ वो मुझे पता है। सो अभी मैं निकल चुका हूँ भाई सब्जी लेने और फिर सब्जी लेके जाऊंगा घर पर और खाना खाऊंगा और फिर मैं निकलता हूँ बाहर और मिलता हूँ भाई आपको आगे। तो भाई ऐसा घर के छोटे मोटे हमें काम करते ही रहना चाहिए ताकि आगे जाके अगर बीवी आपकी थोड़ी मतलब हटके आई तो आपको ये सारी दिक्कत ना आए और आपको काम करने के लिए भेजे अगर तो भाई आपको कोई दिक्कत ना आए। सो ऐसे छोटे मोटे हमें काम करते ही रहना चाहिए ताकि आगे जाके हमें कुछ प्रॉब्लम ना आए और हमारी भाई थोड़ी नॉलेज भी बढ़े, समझ रहे हो, मतलब क्या दाम चल रहा है वो सभी हमारी ऐसी छोटी छोटी भाई नॉलेज भी बढ़ती रहे। अभी बज चुके हैं शाम के 6 और मैं हो चुका हूँ भाई पूरा का पूरा रेडी। सो मैं अभी जा रहा हूँ यशवंत के फार्म हाउस पर, वहाँ पर प्रोग्राम है भाई, पीने का प्रोग्राम नहीं है भाई खाने का प्रोग्राम है। सो मैं अभी जा रहा हूँ यशवंत के फार्म हाउस पर, मुझे अर्षदीप नीचे लेने आया है तो मैं अभी हम दोनों जा रहे हैं भाई यशवंत के फार्म हाउस पर। तो मिलते हैं आपको आगे, हम सभी फ्रेंड्स इकट्ठा होके गुजराती खाना अपने हाथों से बना रहे हैं तो आपको भी आगे बहुत मजा आएगा, तो एंड तक बने रहिएगा। अभी पहुंच चुके हम लोग भाई वर्तेज और अभी जा रहे हैं भाई यशवंत के फार्म हाउस पर। यशवंत का जो फार्म हाउस है वो वर्तेज में ही है, यहाँ पर वर्तेज में अंदर ही है। तो अभी जा रहे हैं भाई यशवंत के फार्म हाउस पर और हमारे साथ हर्षदीप भी आया हुआ है, हाय। सभी मिलते हैं भाई आपको आगे। सो ये है भाई यशवंत के फार्म हाउस तक पहुंचने का रास्ता, बारिश में ऐसा ही हो जाता है। अभी पहुंच चुके हैं हम यशवंत के फार्म हाउस पर फाइनली। ये टक देता हूँ भाई काम का। तो अभी पहुंच चुके हैं यशवंत, आप देख सकते हैं यही है यशवंत, यही हमारा भाग्या काम वाला लोग ये काम वाला है यशवंत। उसको
हम ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं। मतलब गांव में जो मोस्ट ऑफ जो वाड़ी होती है वहां पर तक पहुंचने का जो रास्ता होता है वो ऐसा सिंगल वे में होता है। बारिश में ऐसे रास्ते पर बहुत ही हमें भाई दिक्कत आती है वाड़ी तक पहुंचने के लिए। आप वेदर भी चेक करो भाई, बहुत ही भाई बेहतरीन वेदर भी है, पर जब बारिश होती है तब वाड़ी तक पहुँचने में भाई सभी को बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि आप रास्ता देख ही सकते हो आगे का। यहाँ पर भाई चूल्हा वूल्हा कुछ नहीं होता, ऐसे देसी जुगाड़ी करते हैं और हम ऐसे ही भाई दाल हमारी बनाते हैं। घर पर अगर किसी को एक काम भी दे तो कोई भी नहीं करेगा, पर यहाँ पर जब सब दोस्त इकट्ठा होते हैं तो सभी लोग भाई काम पर लग जाते हैं। खाना खा के मैं वापस घर पर आ गया था और सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पर भाई बहुत ही ज़्यादा भाई मज़ा किया। सभी मोमेंट मैंने कैप्चर नहीं किए थे, कुछ कुछ मोमेंट ही वहाँ के मैंने कैप्चर किए थे। उम्मीद करता हूँ कि यह व्लॉग आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।